उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सन्नाटा यानी गहन शांति। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। तमाम यानी सभी जगह। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में भी कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयां बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी ना होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वो खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क गई। वो प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वो पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो पानी मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था।